जय हिंद साथियों, मैं अनुप कुमार राय फ्रॉम रॉय डिफेंस अकेडमी। आज हम ये जो बुक्स है अग्निवीर भारतीय स्थल सेना जनरल ड्यूटीज़ के लिए, इसकी 50 क्वेश्चन पेपर की सेट है। हम एक एक करके सेट कंप्लीट मैथ्स का कराएंगे, तो आप लोग उसको फॉलो कीजिए। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकता है और जबकि बी उसी कार्य को 16 घंटे में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को किया रहे तो कितने घंटा समय लगेगा। तो देखिए, पहले ए है, ए एक काम को 8 घंटे में करता है और बी उसी काम को 16 घंटे में करता है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे 16 मतलब टोटल कार्य होता है 16, और जो जिसको उसको 8 से 16 से 2 घंटा समय लेगा, ये 1 घंटे का समय लेगा, यानी कि 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर सकता है, ये 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर सकता है। अगर हम इसको दोनों को जोड़ कर देंगे ए प्लस बी, तो दोनों मिलकर काम की भी भाग हो जाए, 3 यूनिट काम 1 घंटे में करेगा, 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेगा, तो टोटल काम है 16, तो 16 को 3 से भाग करेंगे, 3 × 1 = 2, इतने घंटे समय लगेगा। अगर टोटल काम से अगर एक दिन का काम दोनों मिलकर उसको भाग कर दिया जाए तो हमें 1/3 घंटा समय लगेगा। यह है क्वेश्चन। अगला, एक बल्लेबाज ने की स्कोर छोटी पारी में 80 रन है, तब उसकी औसत रन 5 बढ़ जाती है, छोटी पारी के बाद उसकी औसत रन क्या है? ऑप्शन है 55, 60, 50, 55। तो हमने करना क्या है, जो फिफ्थ नंबर पारी है, फिफ्थ पारी में उसने माना कि कुछ रन किया है, और जो सिक्स पारी है, सिक्स पारी में उसने 80 रन किया। 80 रन करने से क्या हुआ, इसका जो रन में है ना, इसकी बढ़ जाती है 5 रन, औसत 5 रन बढ़ जाती है, 5 रन बढ़ने से यानी कि 5×5=25 रन बढ़ जाती है, 25 रन बढ़ जाते हैं। तो 80 के साथ ये 5 के साथ हम 5 गुना कर देंगे, 25 गुना कर देंगे, 5 के साथ 5 यानी कि 25 रन, ये 25 माइनस कर देंगे, यानी कि इसको 25 माइनस करने से 5 × 5=10, अतः 3 × 8, 55 रन किया है, ऑप्शन डी द आंसर। तो जब अगर रन वृद्धि कर देता है, बढ़ जाता है, तो हमने इसको यहाँ माइनस करना, अगर रन कम हो जाती है तो यहाँ पर औसत में प्लस कर देना है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में समाप्त कर सकता है तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी 5 दिन में उसी काम को समाप्त करने के लिए। तो हमें इस तरह की जो क्वेश्चन होगा तो हम इस फॉर्मूला को लागू करेंगे, m1d1 = m2d2, m की आदमी है, ये दिन की है, अगर 10 आदमी 4 दिन में कोई काम करता है, 10 आदमी 4 दिन में कर सकता है, तो उसी काम को मैं 5 दिन में कितने आदमी करेगा। तो हम 5 के साथ 10 काट देंगे, 2 होगा, यानी कि m2 = 8 आदमी, 8 दिन में करेगा, ऑप्शन 8 दिन, ऑप्शन ए होगा आंसर। दोबारा बताता हूँ, अगर m1d1 आदमी संख्या दिन संख्या यदि गुण कर दिया जाए तो इसका फॉर्मूला है m1d1 = m1d1, काम का संख्या m1d1 मतलब बराबर होता है, आदमी संख्या दिन संख्या होने से टोटल काम का संख्या मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 10% नुकसान हुआ, एक व्यक्ति को 10% नुकसान हुआ जब वो अपनी घड़ी को 450 रुपए में बेचा तो उसका खरीद मूल्य क्या है, खरीद मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो 10% नुकसान या लॉस, 10% लॉस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस उसका 90 रुपया। तो हमें निकालना, जो चीज निकालना उसको हमें राइट साइड में रखना, हमें खरीदा मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि एसपी अगर 90 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस होगा 100 रुपया, एसपी 1 रुपया होने से 100/90 होगा, और टोटल 450 रुपये में खरीदा, यानी कि 100/90 × 450, इसको काट दिया, ये 5 से काट दिया,
यानी कि 500 रुपये, 500 रुपये इसका कॉस्ट प्राइज, 500 रुपये इसका कॉस्ट प्राइज, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 200 का 25% कितना होगा। 200 का यहाँ पर 200 का मीन्स गुना, 25% मतलब 25/100 कितना होगा ये पूछा है, इसको हमने काट दिया तो 25 के ये कर देंगे 50, तो 200 का 25% 50, यानी कि ऑप्शन बी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा चार अंक नंबर है, चार अंक वाला नंबर है जो कि अष्टोत्तरी से विभाजित हो, तो हमने चार अंक का बृहत्तम संख्या लेंगे 9999 और इसको हम सीधा 88 से डिवीजन करेंगे, तो 88 से भाग करने से एक बार निकल जाता है, तो ये एक होता है, ये एक होता है, ये 9 आ जाता है, फिर एक जाता है तो 88 होता है, तो इसमें से एक हो जाता है, 8 अटा 3 11 हाथ गया 31 हो जाता है, फिर 9 हो जाता है, अगर इसके बाद हम अगर 3 बार देते हैं तो 3 8 24 4 हाथ के 2 3 8 24 25 26, तो यहाँ पर ये हो जाता है 5 और 5 अगर 55 होता है। अभी हम क्या करना है, ना चार अंक का जो बृहत्तम संख्या है 999, इनमें से हम 555 को माइनस करते हैं, तो करने से हो जाएगा A4 A4 9 9। अगर ये देखेंगे ये चार अंक का है और चार अंक का बृहत्तम संख्या है, इसको जो इसको भाग करने से अष्टोत्तरी से भाग करने मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन इज द आंसर। अगला क्वेश्चन,